गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्या लेकर बैठी हूँ, कुछ तो आप थंबनेल से आइडिया ही लगा चुके हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, आती हूँ खाते खाते बताती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपने सजा हुआ प्लेट देख लिया ना, दिखा दिया मैंने। तो आज वाकई में मॉर्निंग है। आज मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आज ज्यादा कुछ मेरे घर बना नहीं है। बस पनीर बनाई है मैंने, बटर पनीर जो यूजुअल है, बटर पनीर बनाई है, उसी को ब्रेकफास्ट में दिया है। बेटा लेकर गया है पूरी के साथ, हस्बैंड तो आकर लंच करते हैं, तो दोपहर में बना लूंगी जीरा राइस बस। और आज मैं अपने पसंद का मैंने कुछ बनाया है, थंबनेल देखकर आप समझ गए हैं ना। जी हाँ, और मैंने अभी आपको दिखाया भी, तो ये है जो कटोरे में है, ये है कढ़ी। इसे आप आलू की कढ़ी बोल लो, दही आलू बोल लो, या जैसे हम उड़ीसा में, ये ना एक्चुअली मेरी मम्मा बनाती है, वर्ल्ड का बेस्ट बनाती है मेरी मम्मा, और ये उड़ीसा में ज्यादा चलता है, दही रोसा हम इसे बोलते हैं। तो इसे आप कढ़ी बोले, ये पंजाबी कढ़ी जैसी नहीं है, लेकिन एक बार मैं इसकी रेसिपी अभी शेयर करूंगी, मैंने सवेरे बनाई है तो वो शूट किया है, तो इतनी अच्छी बनती है कि जिन्होंने भी खाया है, मेरी मम्मा तो बनाती है वर्ल्ड बेस्ट, उनके साथ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी मेरे हाथ की ये खाई है सबने तारीफ की है, सबने। तो जरूर इसे ट्राई करिएगा। और इससे सिंपल कढ़ी शायद वर्ल्ड में नहीं है, और बच्चों को तो पसंद आएगी क्योंकि इसमें पड़ा है आलू प्याज और टमाटर, और इससे ज्यादा मतलब नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है, एकदम कुछ नहीं, मेन है आलू प्याज टमाटर बस। रेसिपी तो मैं शेयर करूंगी। तो आज मैं लेकर बैठी हूँ नाश्ता। मैंने सवेरे जानबूझकर नाश्ता स्किप किया था, आज हस्बैंड भी जल्दी चले गए हैं, बेटा तो स्कूल गया ही है, तो मैंने सोचा कि खाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी और बातें करूंगी, इसलिए बैठी हूँ। काम भी जल्दी खत्म हो गया, वैसे मेरे नेबर के पास मुझे जाना भी है, उन्हें मुझसे कुछ काम है, 2 दिन से बुला रही है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। हम आज लंच में कुछ खास बनाया नहीं तो टाइम निकला है। क्यों नहीं बनाया ये आपने ऑलरेडी ब्लॉग देख लिया ना, क्योंकि हमने कल रात को जम कर खाया है। क्या खाया है ये तो देख ही लिया ना, नान चिकन वगैरह। नहीं देखा है तो अभी जाकर देख कर आइए कल वाली ब्लॉग तो देख लीजिए आप, जिस वजह से मुझे आज थोड़ा सा कम काम करना पड़ा है सवेरे। तो मैं लेकर क्या बैठी हूँ, ये जो कढ़ी है ना, ये दही आलू या आलू की कढ़ी जो भी आप बोलो, ये आप प्लेन राइस, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खाइए, वाओ इट इज जस्ट यम, बहुत अच्छा है। और समर में तो इट्स रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लगता है, समर के लिए तो आइडियल है, कढ़ी तो बनता ही है। लेकिन हमारे घर मतलब मेरे यहाँ पर मायके में तो ये स्पेशल है, ये एकदम, मेरी भाभी भी आई है, शादी हुई है, वो भी खाती है, एकदम जमकर बहुत पसंद करती है, भाई और मैं तो खाते ही है, हमारे घर तो चलता है, लेकिन मेरे ससुराल में ये टिपिकल बोंग है, ये खट्टी चीजें नहीं खाते, मेरे हस्बैंड को ये सब समझ में आती नहीं है तो वो नहीं खाते हैं बिल्कुल ये सारी चीजें। बेटा भी खट्टा पसंद नहीं करता तो वो भी नहीं खाता, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी करना चाहिए, कभी कभी नहीं, मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने लिए भी करती हूँ, आई लिव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था खुद के लिए भी करो। पता है एंटायर विंटर, थोड़ा सा बात कर लूं, मैं खाती हूं, अभी गर्म करके लाई हूं मैं कढ़ी, नहीं मुझे ये ज्यादा गर्म पसंद नहीं, राइस गर्म किया है। तो आपका ये जो विंटर है ना, मैंने बहुत लोगों ने मेरे ब्लॉग्स जो फॉलो करते हैं उन्हें पता है, विंटर में मैंने कई बार गाजर का हलवा बनाया है। आप सरप्राइज होंगे, मेरे घर गाजर का हलवा कोई नहीं खाता, मेरा बेटा भी नहीं खाता, हस्बैंड तो डायबिटिक है, वो ऐसे भी नहीं खाते ये सारी चीजें, लेकिन खुद के लिए बनाया है, खुद के लिए। मैं अपने नेबर से ग्रेटर मांग कर लाती थी, उनके पास अच्छा है, तो वो तो मुझे एक बार बोलने लगी कितना खाते हो गाजर का हलवा, डायबिटीज हो जाएगा। तो मैं अपने लिए जीती हूँ, अच्छी तरह से जीती हूँ, और अपने आप को खुश रखती हूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ, कैसा भी माहौल हो मैं खुश रहूंगी, तो मेरा फैमिली खुश रहेगा, मेरा बच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो खुश रहेगा। तो हो गई खुशी की बातें, अब ये खाना, पता है आप इसको किसी की भी चीज के साथ खाओ। ये तो एक पूरी मैं लेकर बैठी हूँ, आपने देखा अभी प्लेट में, ये एक्चुअली बेटा सवेरे उसे ब्रेकफास्ट में पनीर और लंच बॉक्स में एक्चुअली पनीर और पूरी दिया था, उसका एक बच गया था, लेकर बची, ये भी बहुत यम लगता है, लेकर बैठ गई मैं। और ये जो राइस है ना, ये राइस, ये जो अभी आपको आपने प्लेट में देखा, ये वो मसाला भात है, मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, फर्स्ट फ्लोर में रहती है, उनका भी एक ब्लॉग है, अगर आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग वाइल ईटिंग, उनका ब्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा है, मसाला भात की रेसिपी देखिए, उस बार उन्होंने खुद बनाई थी, अभी उनके मम्मा आई है नागपुर से, उन्होंने बनाई है, और माँ के हाथ का कोई भी चीज लाजवाब, अमेजिंग, इट टेस्ट सिंपली अमेजिंग।
तो मैं उन्होंने ये मुझे मेरे लिए दिया है तो मैं इसको लेकर बैठ गई कढ़ी के साथ। महाराष्ट्र में भी कढ़ी के साथ ही खाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होता है, पतला कढ़ी होता है, ये मेरा डिफरेंट है। खैर तो मैं अभी खाने बैठ गई इसको, तो मैं लुत्फ उठाऊंगी इस मसाला भात पूड़ी और कढ़ी का, और आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाए मेरे साथ मेरे सफर में। पुराने व्लॉग्स देखिए तो समझ पाइएगा मेरी लाइफस्टाइल और मेरे प्यारे प्यारे मजेदार व्लॉग्स जो मैक्सिमम ही मेरे बेटे के साथ ही होते हैं और रेसिपीज होते हैं। तो आज ये रेसिपी मैं दिखाऊंगी, मैं सवेरे बनाई हूँ, शूट की हूँ, तो अब आप लोग जाइए रेसिपी और जरूर ट्राई करिएगा जरूर, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। आई एम श्योर ये एकदम फुल प्रूफ है, पसंद आएगा ही। जिनको खट्टा पसंद है, कढ़ी पसंद है, दही के आइटम्स पसंद है, उनको पसंद आएगा ही और बहुत जल्दी भी बनता है। तो चलिए अब बातें नहीं, अब मैं इसे खाऊंगी और फिर जाऊंगी मेरे नेबर के पास, उन्हें मुझसे कुछ काम है, 2 दिन से बुला रही है, मैं पहले बता चुकी हूँ, काफी बोल लिया। चलिए तो आप जाइए जाइए देखिए रेसिपी और मैं उठाती हूँ लुत्फ मसाला भात पूरी और कढ़ी का। गए नहीं, मैं खा लूंगी खुद, आप जाइए। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा आलू बॉईल किया हुआ, उसे मैश कर लिया है इस तरह कोर्सली, और एक मीडियम साइज प्याज को इस तरह पतला पतला स्लाइस कर लिया है, और एक टमाटो को मीडियम साइज इसे भी चॉप कर लिया है, और तड़का के लिए लिया है मस्टर्ड सीड 1 टीस्पून, करी पत्ता और 4-5 लाल साबुत लाल मिर्च जो है वो लिया है, और दही लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम खट्टा दही लिया है, और इधर लिया है 2 टेबलस्पून बेसन। ये थोड़ा सा दही को गाढ़ा करता है, कढ़ी को गाढ़ा करने के लिए हम बेसन यूज करते हैं। तो बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही हमारी ये आलू की कढ़ी या दही आलू जो भी कहिए ये बनकर तैयार हो जाएगी। बाकी तो नमक तेल ये तो नॉर्मल है जो हमें लेना ही है। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, टेबलस्पून कम ही, 1.5 चम्मच लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे कढ़ाई में। अब ये गरम होने के बाद लेंगे हम इसमें वो 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड जो है, मतलब जो सरसों है वो इसमें डाल देंगे, और लाल मिर्च डाल दिया है मैंने, और इसके साथ मैं डालूंगी जो करी पत्ता है, फ्रेश करी पत्ता लेंगे वघार के समय तड़का में, तो ये बहुत अच्छा उसमें से स्मेल आता है। यहाँ तड़का नहीं लगता है, तड़का मैं गलत बोल रही हूँ, तड़का तो बाद में लगाते हैं, ये मैं पहले ही आलू इसी में फ्राई करूंगी, तो पहले मैं ये जो सरसों है, लाल मिर्च है, और मेरी मम्मा इसी तरह ही बनाती है, मैं ये कढ़ी इसी तरह ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा स्वाद आता है, तड़का बाद में नहीं लगता है इस कढ़ी में। तो अब ये जब थोड़ा सा रेड रेड हो, मतलब फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, तो इसमें मैंने डाल दिया है स्लाइस्ड प्याज, प्याज पूरा डालकर प्याज को भी हम अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे ताकि प्याज कैरमलाइज हो जाए, हल्का सा, जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा प्याज लाल हो जाए, तो इसी तरह हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे, 2-4 मिनट में ही प्याज, फ्लेम आप हाई पर रखिए, मीडियम हाई पर रखिए, तो प्याज इसी तरह चलाते रहिए, तो प्याज देखिएगा अपना कलर चेंज करता है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो उसका स्वाद एकदम भी खराब हो जाता है कढ़ी का। तो ये देखिए, अब देखिए कलर धीरे धीरे प्याज का कैसे थोड़ा सा बदल रहा है, कैरमलाइज हो रहा है प्याज, तो बस इस तरह हम चलाते रहेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कैरमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह, बस जब ये प्याज देखिए अब मुझे लग रहा है तैयार है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ जो चॉप किए हुआ टमाटर, वो भी डालकर हम इसमें चला लेंगे अच्छी तरह से, टमाटर को भी एक साथ मिक्सअप कर लेंगे, टमाटर भी थोड़ा सा गलने लगे तब तक हम इसे चलाएंगे। टमाटर को इस तरह साबुत नहीं रखना है, मतलब ये इस तरह टाइट ना रहे, थोड़ा सा मशी हो जाए, तब तक हम फ्लेम को वही मीडियम हाई पर रखकर इसी तरह से चलाते रहेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह चलाते रहिए जब तक टमाटर थोड़ा सा पक नहीं जाए, और साथ में प्याज भी पक जाएंगे और सबका फ्लेवर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। इस वक्त मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा आप नमक डाल देंगे तो ये जो प्याज है, टमाटर है, ये और अच्छी तरह से पक जाता है। नमक डालिए तो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है वेजिटेबल्स, और अच्छे से पकता है, जितना पकेगा उसमें उतने ही आपका
स्वाद एक दूसरे में घुलता है, ब्लेंड होता है, उससे और अच्छा इसका स्वाद बढ़ता है कढ़ी का। तो इस तरह आप चलाइए, चलाकर कुछ देर के लिए इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं बीच बीच में इसे चला रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे ये सफिशिएंट लग रहा है कि नहीं, पका है या नहीं ठीक ठाक। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये मुझे अब देखकर लग रहा है कि काफी हद तक ये पक चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी नेक्स्ट स्टेज में, वो है आलू। ये जो मैश किए हुए आलू है अब इसमें मैं डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लूंगी। आलू को पूरी तरह से मैश नहीं करना है, इसी तरह थोड़े थोड़े चंक्स छोड़कर ही करना है और इसको अच्छी तरह से चलाना है। अब ये जो मैंने एक बड़ा लार्ज साइज आलू लिया है वो सफिशिएंट है 3-4 लोगों के लिए। इसकी जो कढ़ी बनेगी वो सफिशिएंट है और वो 50 ग्राम दही जो लिया है उसकी सफिशिएंट कढ़ी बन जाएगी, पतली भी नहीं, सफिशिएंट बन जाएगी 3-4 लोगों के लिए आराम से। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, ज्यादा कोई हल्दी की जरूरत यहाँ भी है नहीं, 1 टीस्पून हल्दी डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से चला लीजिए ताकि हल्दी में कच्चापन रहता है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ ज्यादा ऑयल की जरूरत है नहीं, आप पैन देखकर समझ ही रहे हैं कि मैंने ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया है। बस इसे अब थोड़ा सा फ्लेम लो करके इसको अच्छी तरह से चलाते रहिए। अच्छी तरह से चलाएंगे तो इसके सारे फ्लेवर्स जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह चलाते रहिए। अभी आलू ऑलमोस्ट देखिए पककर तैयार ही लग रहा है। उस तरफ मैंने जो 100 ग्राम दही लिया था उसका मैं मिश्रण बनाकर तैयार कर लेती हूँ, मिश्रण या मिक्सचर बना लेती हूँ। यहाँ मैंने वो बेसन डाल दिया है 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। कोशिश करें बेसन के लंप्स ना रहे, थोड़े बहुत लंप्स रह जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अच्छे से पानी पहले मत डालें और पहले अच्छी तरह से इसको चला लें ताकि लंप्स जितना हो सके ना रहे, अवॉइड करें लंप्स को रखने की। तो ये देखिए मैं उसी को अच्छी तरह से चला रही हूँ। चलाने के बाद मैं इसमें फिर पानी यूज करूंगी, वही थोड़ा सा 1 कप के करीब मैं इसमें पानी यूज करूंगी। पानी धीरे धीरे डालिए, आपको जितना कढ़ी पतला या गाढ़ा चाहिए उतना डालिए, क्योंकि आलू की कढ़ी है बहुत पतली ये नहीं होगी और बेसन हमने डाला है ऐसे भी खींच लेता है। तो लगभग 1 कप के करीब मैं यहाँ पर पानी यूज करूंगी। बाद में जब ये दही का जो घोल है जो ये तैयार कर रही हूँ मैं, ये जब मैं कढ़ी में आलू में डालूंगी उसके बाद भी इसी बर्तन को मैं धोकर फिर से पानी डालूंगी तो वो सफिशिएंट हो जाएगा, अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसमें फिर से पानी डाल रही हूँ, 1 कप के करीब इसमें टोटल मैंने पानी डाल लिया है 1 कप के करीब। इसको देखिए अच्छे से मिला लीजिए, थोड़े थोड़े लम्स अगर बेसन के हैं भी तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छी तरह से इस तरह चलाकर इसे रेडी कर ले। इसमें और नमक डालने की अभी जरूरत नहीं है। तो अब ये जो घोल है इसे मैं डाल दूंगी। ये देखिए आलू एकदम पूरा ये मिक्सचर जो है ना बनकर तैयार है। ये देखिए फिर मैं एक बार चला ले रही हूँ ताकि पैन में नीचे ना चिपके, ज्यादा तेल यूज नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है मुझे लग रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब इस वक्त आप फ्लेम को पूरा लो कर ले, नहीं तो फिर वो दही कर्डल अप हो जाएगा, फट जाएगा। तो पूरा फ्लेम को लो रखें, एकदम भी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने इसमें वो दही का मिक्सचर डाल दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूंगी। चलाकर देखिए ये काफी गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे चलाते चलाते। फ्लेम को हाई ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दही फट जाएगी, फिर उसका स्वाद और वो लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको चला ले रही हूँ। फ्लेम बराबर, मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्लेम पूरा लो रखें। अच्छी तरह से इसको इस तरह मिक्सअप कर लें सारी चीजों को। अब फिर मैं इसमें वही बर्तन को धोकर उतना ही पानी मैं, जितना ये घोल डाला है लगभग उतना ही पानी फिर मैं वापस से डाल रही हूँ। और ये जो मिक्सचर है, अब जो ये कंसिस्टेंसी है ये इनफ है, क्योंकि इसके बाद ये देखिएगा पूरा गाढ़ा हो जाएगा, ये खींचता है, पूरा पानी खींचता है, तो इतना पानी इसके लिए काफी है। इसको अच्छी तरह से चला दीजिए, ज्यादा तेज मत करिए गैस को, पहले अच्छी तरह से चलाइए और उसके बाद में इसमें मैं डालूंगी नमक वगैरह जो जिसकी जरूरत है। तो अब मैं इसमें नमक वगैरह डालूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ, आप कढ़ी को एक बार टेस्ट करके खुद से नमक डालें। तो मुझे जितना चाहिए था मैंने वहां पर नमक डाला और चला लिया। आपने यहाँ पर देखा है मैंने किसी तरह का मिर्ची का यूज नहीं किया है अभी तक, सिर्फ ये जो साबुत लाल मिर्च है वही इसमें डाला है, किसी तरह का चिली पाउडर या अदरक लहसुन कुछ यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। तो यहाँ मैं फाइनली जो डालूंगी वो है ये मसाला।
ये है लाल मिर्च और रोस्टेड जीरा का पाउडर है ये घर का बना हुआ है और ये बहुत अच्छा स्वाद देता है। थोड़ा सा धनिया भी है इस मिक्सचर में, तो इसका एक टीस्पून मैं लास्ट में इसमें डालूंगी। अच्छी तरह से उसको मिक्सअप करके मैं बस एक उबाल आने तक का थोड़ा सा फ्लेम को हाई करूंगी ताकि इस कढ़ी में एक उबाल आ जाए, बस उतना ही। उसके बाद मैं इसको पूरा बंद कर दूंगी फ्लेम को और कढ़ी को सर्व कर लूंगी। ये जो कढ़ी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं उबालूंगी क्योंकि इससे आपका फट जाएगा। तो मैं एक उबाल के बाद, देखिए मैंने गैस बंद कर दिया, उबाल अपने आप थम गया है, मैंने बंद कर दिया। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूंगी यूटेंसिल में और इसको आप मैंने अभी बताया आपको पूड़ी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए। देखिए गर्मा गर्म हमारी आलू की कढ़ी तैयार है और गर्मियों में तो इसका स्वाद ही निराला है। तो बस आज यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं मेरे साथ मेरे सफर में। सो टिल वी मीट अगेन इन सम अदर व्लॉग, स्टे हैप्पी एंड लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ टू द फुलेस्ट। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।